राहुल भी यही सोचेंगे, जैसे उनके फैंस ये सोचते हैं कितना अच्छा कर लो कितना अच्छा कर लो, आलोचना है कि नहीं, होनी तो, होनी है। ऐसा नहीं होता कि आप एक मैच में आके, मैं उसी चीज का जिक्र कर रहा हूं, मैच होने तो दो, आप रिचार्ज करवा लेते हैं ना, ये चीज हाँ हम देखेंगे, दूसरा मैच होने तो दीजिए, बिल्कुल हम भी देखेंगे। आपने भविष्यवाणी कर दी है कि दूसरे और तीसरे मैच में नहीं चलेंगे, बिल्कुल देखिए अभी भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, ये टारगेट फिर भी विकेट फेंका नहीं अपने, ये चीज आप मानेंगे? ये चीज हम मान रहे हैं, देखिए आज मुकाबला उन्होंने जितवाया है, नो डाउट केएल राहुल की वजह से हम मुकाबला जीते हैं, लेकिन क्या केएल राहुल फॉर्म में आ गए हैं, इस चीज का जवाब आप दे दीजिए। इस चीज का तो जो जवाब है शायद भगवान खुद नहीं दे सकते ना, वो केएल राहुल नहीं दे सकते। देखिए पिछले मैच में जब विराट कोहली ने अपना जो शतक है जड़ा था, उस टाइम में लोगों ने यही कहा था ना कि फॉर्म में आ गए हैं, आज तो नहीं दिखा पाए, लेकिन बात करें 2000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि केएल राहुल इस मैच के हीरो है या नहीं है। लोग कह भी रहे हैं, सोनू पाल ने बोला है केएल राहुल ने अपने अंदाज में आज बैटिंग की श्रेयस अय्यर की, और इन्होंने सवाल भी पूछा है श्रेयस अय्यर की जगह पर कौन खेलने के लिए आया, कोई नहीं आया, हम उम्मीद कर रहे थे। लक्ष्य सर आप आलोचक थे केएल राहुल के अभी आज के मुकाबले से पहले, तो क्या एक मुकाबले में अगर किसी का नेगेटिव परफॉर्मेंस हम जज नहीं करते हैं, तो क्या एक मुकाबले में आप किसी का पॉजिटिव परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं? बट अगर जिताया है तो आपको अपना परसेप्शन चेंज करना होगा ना, आपको टीम इंडिया, उन्होंने टीम इंडिया को जिताया है। अब देखिए, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यार देखिए उनका स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए, उन्होंने लास्ट में चौके छक्के लगाए, जब सामने वाली टीम 188 रन बनाएगी तो वो धीरे ही खेलेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, उस समय आपके विकेट लगातार गिर रहे थे। देखिए हम आलोचना करते हैं केएल राहुल की, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, और आलोचना उनके प्रदर्शन में निरंतरता ना होने की वजह से करते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन वो जो टैलेंट है वो प्रदर्शन में बार बार तब्दील नहीं होता है, इसलिए उनकी आलोचना होती अब है। आप खुद कह रहे हैं कि बार बार नहीं होता है, तो अभी भी तो एक बार ही हुआ है, अभी बार बार करने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उम्मीद, मैं उम्मीद कर ही नहीं रहा कि उनके सारे मैचेस खराब जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर है, और वर्ल्ड कप ईयर में मैं उम्मीद करूंगा कि उनके हर मैच में रन निकले। बिल्कुल देखिए हर मैच में रन निकलने तो चाहिए ही, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि केएल राहुल यहाँ पर रन बनाए और टीम इंडिया को इसी तरह से जिताते रहें, लेकिन ये कहना होगा कि अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, क्योंकि देखिए आज सूर्य कुमार केएल राहुल देखिए सामने दिख रहे हैं ना आपके, 75 रन 91 गेंदों पर, 82 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, चलिए यहाँ पे तो स्ट्राइक रेट हटा ही देते हैं, 7 चौके और 1 छक्का। तारीफ देखिए मैं 3-4 चीजों में इनकी करूंगा, जिस हिसाब से इन्होंने स्टार्क को खेला, जब स्टार्क अपनी पीक पे गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी गेंद को स्विंग मिल रहा था, अंदर आती हुई गेंद इनकी परेशानी है, स्टार्क लगातार वही गेंद कर रहे थे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाया, तो मुझे लगता है कि यार देखिए हम इनकी आलोचना करते हैं खराब खेलने पर, तो जब अच्छा खेलते हैं तो इनकी तारीफ भी डिजर्व करते हैं। देखिए अच्छा खेलते हैं तब इनकी तारीफ मैं खुद करूंगा, कब आज अच्छा नहीं खेला, आज आप क्या सूर्य कुमार यादव की आलोचना कर देंगे अगर आज के मैच में? वनडे फॉर्मेट में होनी चाहिए, वनडे फॉर्मेट की बात अलग है, अच्छा चलिए T20 में अगर सूर्य कुमार यादव एक मैच में गोल्डन डक पे आउट हो जाएंगे तो क्या आप उनकी आलोचना करेंगे? बट वो डिपेंड करता है ना कि कितने मैचों से अच्छा कर रहे हैं और कितने मैचों से खराब, तो ये तो फ्लॉप चल रहे हैं कितने मैचों से। चले कुछ कमेंट फॉर्मेट में नहीं बोल सकते, कुछ कमेंट्स ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। गुड्डू यादव जी लिख रहे हैं जडेजा मैच विनर है आज के। रुपेश जी लिख रहे हैं आज का हीरो केएल राहुल है। सुंदर वर्मा जी लिख रहे हैं राहुल बड़ा बेस्ट मैन है सर, बेस्ट मैन है तो ये उन्होंने लिखा, बैट्समैन बेस्ट मैन है। अशोक कुमार जी भी राहुल का नाम लिख रहे हैं। एक और यूजर है GSG लिख रहे हैं रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी अच्छा, है। एक बार मैं आपको रोकूंगा, एक सवाल आपके लिए आया है कि अभिनीश जी का ये सवाल है, सर एक बार बताओ अगर आज केएल राहुल आउट हो जाता तो क्या हम मैच जीत जाते? ऐसे तो रविंद्र जडेजा आउट हो जाते तो भी हम मैच नहीं जीतते। आप आलोचना रविंद्र जडेजा की नहीं कर रहे हो, आप आलोचना कर रहे हो केएल राहुल की। Exactly, और इसलिए सवाल पूछा जा रहा है आपसे। अगर विराट कोहली उस टेस्ट मैच में शतक ना लगाते तो इंडिया हार जाती। आज की मैच की बात करो, आज के मैच की बात ये नहीं है, सब ये चीज नहीं है कि आउट हो जाते तो इंडिया हार जाती है। आज की पारी से आप इंप्रेस हुए कि नहीं हुए? मैं आज का मैच केएल राहुल ने जिताया कि नहीं जिताया? आज का मैच केएल राहुल ने जिताया है, लेकिन केएल राहुल फॉर्म में आ गए हैं या केएल राहुल ने बहुत कुछ अब अचीव कर लिया है, केएल राहुल ने 10 पारियों के लिए रिचार्ज करवा लिया, आने की बात ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि आज का मैच जिताया कि नहीं जिताया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कि केएल राहुल ने टीम इंडिया को जिताया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अभी कह दूंगा कि भाई उनकी टेक्निक अच्छी हो गई है, वो जो खामियां बल्लेबाजी हमारे नीचे एक लाइन चल रही है केएल राहुल ने खेली मैं जिताऊ पारी, मैंने लिखी वो लाइन किसने लिखी थी? ये लाइन मैंने लिखी है, ठीक है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मेरा सवाल ये है कि जो दर्शक अभी पूछ भी रहे थे, क्या नाम था उनका शायद अभिनीश,
जिन्होंने पूछा था कि भाई केएल राहुल अगर आउट हो जाते तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगर शतक लगा देता कोई बल्लेबाज तो फिर केएल राहुल की बल्लेबाजी। और ये बात बताइए कि अगर आज 250 से 260 रनों का लक्ष्य होता तो क्या केएल राहुल जितवा देते आपको मैच? नॉट आउट थे, यू नेवर नो, नॉट आउट थे, आउट नहीं हुए थे। इसके बाद तो क्या पता बल्लेबाजी आसान हो गई थी, एक आराम से सारे गेंदबाजों को खेल रहे थे। तो अंशिका भी हमारे साथ है। अंशिका, केएल राहुल की इतनी सारी आलोचना आपके होते हुए, सारी आलोचना आप कर लेते हो, बाकी बची हुई चिराग? मतलब आई एम द जेन्युइनली वंडरिंग, उनके आज की परफॉर्मेंस के बाद मैं आलोचना के तो बिल्कुल मूड में नहीं हूँ आज, और उसके ऊपर से व्हेन आई एम लिसनिंग चिराग, तो ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है इनको, भी किसी किसी को बोलने भी नहीं दे रहे हैं आज अपने अपने मैच में। मैन ऑफ द मैच कौन है मेरे हिसाब से? रविंद्र जडेजा। तो फिर केएल राहुल ने यार आप 75 रन के कैसे, 188 रन में से 75 रन वो बनाते नहीं, एक सीधा सीधा जवाब दीजिए, अगर केएल राहुल की रन्स को आज के मैच से रिमूव कर दिया जाए, डू यू रियली थिंक कि हम जीत जाते? जडेजा की और सिराज की विकेट्स को रिमूव कर देंगे तो आप क्या जीत पाएंगे? ऐसा नहीं है कि केएल राहुल की वजह से ही मैच जीते। तो ये तो किसी ने बोला ही नहीं है कि केएल राहुल की वजह से ही मैच जीता गया है, बोला ये जा रहा है कि केएल राहुल ने आज ये मैच जिताने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, अभी तक कमेंट सेक्शन में भी सारे केएल राहुल की तारीफ ही कर रहे हैं। मतलब तारीफ अकेले पढ़ रहे हो? नहीं, मैं चाहता हूं कि अगर किसी को लग रहा है कि भाई केएल राहुल को अभी भी समस्या है, टेक्निक में समस्या है, वो पारी को भुनाने में अभी भी, क्या तेज पारी खेलने में वो कायम हो पाएंगे जब टारगेट बड़ा होगा? खेलेंगे तो कंडीशन के हिसाब से खेलेंगे। चलिए कमेंट्स, अगर तेज खेलते हुए आउट हो जाते तो। चलिए कुछ कमेंट्स हैं। मोरारजी लिख रहे हैं केएल राहुल सुपरस्टार है। अजीत सिंह जी लिख रहे हैं ग्रेट विन टीम इंडिया, थैंक यू ऑल फैंस। नरेश कुमार चौधरी जी लिख रहे हैं सर जडेजा ओके। ठाकुर किशन सिंह सिसोदिया जी लिख रहे हैं सर जडेजा, मैन ऑफ द मैच जडेजा होने चाहिए। जीएस जी लिख रहे हैं भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। अशोक कुमार जी लिख रहे हैं केएल राहुल फॉर्म में नहीं है। मिथुन जी लिख रहे हैं, चलिए इनको और आपको दोनों को मैं जवाब दे देता हूं। 2022 दिसंबर के बाद से केएल राहुल ने नंबर 5 पर 7 मैचेस खेले हैं, 280 रन बनाए हैं, 56 की एवरेज है, 83 का स्ट्राइक रेट है, और 7 में से 3 मैचों में हाफ सेंचुरी लगाई है। अब 56 की एवरेज से भी रन बना रहा है पिछले 7 मैचों में, तो भी फॉर्म में नहीं है। नहीं, फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि टेस्ट रन नहीं बना रहे। ठीक है, फॉर्मेट भी तो समझेंगे ना कि आप वनडे, टेस्ट, टी20 तीनों अलग अलग फॉर्मेट है। अगर वनडे में सूर्य कुमार यादव रन नहीं बनाते हैं तो क्या हम आलोचना उनकी टी20 में करते हैं? नहीं करते हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि रन कहां से आ रहे हैं कहां से नहीं आ रहे हैं, बात है कि फॉर्म में है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वनडे में रन बना रहे हैं तो आपको टेस्ट में कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि भाई आपको ऑल ऑफ द सडन कहीं और किसी जंगल में जाके खिलवाने लग जाते हैं या ऐसा कुछ है। सूर्य के साथ आप वनडे में क्यों नहीं बोलते ऐसा? देखिए, सूर्य कुमार यादव वनडे में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मैं उनके बस जिक्र करता हूं कि सूर्य कुमार यादव का वनडे में बल्ला नहीं चल रहा है। बट आलोचना नहीं करते, जिक्र ही करते हैं आप। तो सूर्य कुमार यादव को इतने चांसेस नहीं मिले वनडे में, ब्रेक खेल चुके हैं, ब्रेक के साथ चांसेस मिले। हम देखते हैं, अगर यहां पर भी श्रेयस अय्यर आपके पास होते तो आप सूर्य कुमार यादव को शायद मौका नहीं देते उतना। सूर्य कुमार यादव के मैं आपको आंकड़े भी बता देता हूं। चलिए, वो हमें पता है, वो सबको पता होगा शायद, सबको नहीं पता होगा। देखिए, 20 वनडे खेले हैं उन्होंने और उसमें 28 की एवरेज से रन बनाए हैं। 28 की एवरेज सूर्य कुमार यादव, जब उनकी टी20 में एवरेज 47 की है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जस्टिफिकेशन यहाँ पर वो नहीं है, मैं यही चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि अगर श्रेयस अय्यर वहाँ पर होते तो सूर्य कुमार यादव के बारे में हम शायद बात कर ही नहीं रहे होते। लेकिन क्या आपके पास केएल राहुल से बड़ा कोई मैच विनर नहीं है नंबर 5 पे? फिलहाल तो नहीं है। संजू सैमसन को क्या आप चांस नहीं दे सकते थे? उन्होंने क्या बुरा किया? में तो कैसे दोगे आप? बिल्कुल दे सकते हैं आप चांस, क्यों? आप स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन है, उन्होंने तक भी कह दिया है कि केएल राहुल ने एक शानदार पारी खेली और यही डिफरेंस था। देखिए, बिल्कुल केएल राहुल ने शानदार पारी खेली है, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं कि केएल राहुल ने आज मैच नहीं जिताया। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि मैंने वही लाइन भी लिखी थी कि केएल राहुल ने खेली मैच जिताऊ पारी, लेकिन मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि केएल राहुल पूरे तरीके से अपनी टेक्निक पे, अपने फॉर्म पे पूरी तरीके से वापस आए हैं। अभी आप देखेंगे अगले 2 मुकाबलों में 3 मुकाबलों में अगर रन नहीं बनाएंगे तो फिर आप यही कहेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप 75 रन याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप 75 रन याद कर लीजिए, लेकिन इन 75 रनों से क्या 10 पारियां आगे की आप केएल राहुल से सरवाइव करवाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, एज सिंपल एज दिस, चलिए प्लेयर ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए था। देखिए, 2 विकेट उन्होंने लिए हैं, 45 रन की नाबाद पारी उन्होंने खेली है, इसके अलावा जो लबुशेन का कैच पकड़ा था, तो प्लेयर ऑफ द मैच और या कहे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है रविंद्र जडेजा को।
जी अंशिका। हाँ, मैं ये कह रही थी कि एज सिंपल एज दिस, आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो के एल राहुल है वो इस टाइम पे फॉर्म में आ गए, बिकॉज यू नेवर नो। ऑब्वियसली बात, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि कोहली के बाद से तो मैं कहूंगी ही नहीं किसी का एक मैच लेके कि भाई वो फॉर्म में आ गया है, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने जितना अच्छा खेला था आज के मैच में उतना ही ज्यादा डाउन, बिल्कुल डाउन वो रहे हैं। वहीं अगर बात करें के एल राहुल की, नो डाउट आज उन्होंने ऐसा गेम खेला है जिसके जरिए हम मैच जीत पाए हैं, मतलब जिसने बेसिकली मैच जिताने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और इस बात को कोई भी उनका चाहे कितना बड़ा आलोचक क्यों ना हो लेकिन डिनाई नहीं कर सकता। कर रहे हैं ना, नहीं मैं इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आज उन्होंने कुछ खराब पारी खेली है। तो ये चीज तो केएल राहुल खुद नहीं कह रहे होंगे कि वो फॉर्म में आ चुके हैं, हम तो आज के मैच हम प्रेजेंट में जी रहे हैं कि आज उन्होंने जिताया है तो ये बात हमको माननी होगी। इसके अलावा आप गेंदबाजों को मत भूलिए, क्योंकि संजू के कमेंट्स देख सकते हैं।